हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो जियो का जो छोटा वाला फ़ोन होता है उसमें लैंग्वेज चेंज होने पर आप लोग कैसे उसे फिर से वापस इंग्लिश में या और भी जो लैंग्वेज चाहे उसमें ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस मोबाइल को हमें सेटिंग्स में ओपन करना होगा और आप लोग इसमें इतना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पर इसको बहुत सारा वीडियो ढूंढा लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि वजह यह है कि ये उर्दू लैंग्वेज में है और जो उर्दू लैंग्वेज आता है वो जो है वो उल्टा आता है, मतलब लेफ़्ट राइट का इसमें डिसीजन आता है। तो इसके चलिए सबसे पहले हम इसमें सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। आप लोग सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद इसमें देखिए इसमें एरो मार्क किधर आ रहा है। देखिए आप लोग इसमें आसानी से देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में एरो मार्क आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज में करेंगे तो वहीं जो एरो मार्क आता है जो ये लेफ़्ट साइड में राइट डिस्प्ले के साइड में आ रहा है वो राइट साइड में आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि जिस साइड में ये आए उधर वाला बटन दबाना है। अगर लेफ़्ट साइड में आएगा तो लेफ़्ट साइड वाला आपको बटन दबाना है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो है ये सेंटर बटन से ये मेरा अंगूठा जो है वो लेफ़्ट साइड वाला दबाएंगे। अगर राइट साइड वो एरो मार्क आएगा तो राइट साइड में दबाएंगे, तो हमारा जो एरो मार्क है वो लेफ़्ट साइड में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो एरो मार्क दिख रहे हैं आप लोग, ये छोटा वाला ये लेफ़्ट साइड में आ रहा है, तो हमें इसको लेफ़्ट साइड में दबाना है। ठीक है, सिर्फ एक बार दबाएंगे। चलिए, हमने एक बार उसको दबा लिया और दबाने के बाद दबाया कि नहीं दबाया कि बैग जा कर वापस आते हैं। चलिए, हम फिर से वापस सेटिंग में आ गए और सेटिंग में आने के बाद इसमें हम सेटिंग को ओपन करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने सेटिंग को ओपन कर लिया। सेटिंग को ओपन करने के बाद आप लोग जो ये एरो मार्क देख रहे हैं साइड में, ये एरो मार्क हमारा लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा है। तो लेफ़्ट साइड में जब दिखाई देगा तो हम इसमें जो स्क्वायर जो बटन आता है, ये जो माइक दिख रहा है, माइक के ये स्क्वायर दिख रहा है, इसके लेफ़्ट साइड वाला प्रेस करेंगे। अगर वहीं एरो मार्क अगर ये साइड में आ गया तो हमें क्या करना है, ये साइड में, ये राइट साइड में एक बार प्रेस करना है, ये साइड में। अभी हमें एरो मार्क लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में हम प्रेस करेंगे। चलिए, हमने इसको लेफ़्ट साइड में प्रेस करेंगे। चलिए, हमने एक बार लेफ़्ट साइड में प्रेस किया, फिर ऊपर वाले बटन को, ये आप लोग ये बटन को, ऊपर वाले बटन को सिर्फ दो बार प्रेस करना है, सिंपली 1 2। ठीक है, दो बार प्रेस करने के बाद आपको फिर से इसको ओके करना है। ठीक है, ओके हो जा, हाँ ओके हो गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं नीचे में टाइम और डेट आ रहा है, तो इसका ऊपर वाला हमारा जो लैंग्वेज है सिर्फ सिंपली इसको ओपन करेंगे। जियो का बटन उतना अच्छा काम नहीं करता है। हाँ, चलिए आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं इसमें लैंग्वेज जो हमें दिखाई दे रहा था, हमें कौन सा लैंग्वेज पर चूज करना है, इंग्लिश पर चूज करना है। चलिए, इंग्लिश आ गया, अब इसको ओके कर देना है। हाँ, आप लोग देख सकते हैं अब ये इंग्लिश में आ चुका है। चलिए, अब इसे बैक करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं वहीं जो एरो मार्क है वो राइट साइड में आ गया। तो अगर ये एरो मार्क पहले से राइट साइड में आता तो हमें सिंपली जो ये बटन है ये राइट साइड में क्लिक करना पड़ता। क्लिक करने के बाद फिर ऊपर वाला बटन को दो बार सिंपली दबाना है, फिर आपको सेटिंग्स में चले जाना है और सेलेक्ट करने वाला आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा वीडियो आप लोग का अच्छा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और भी आगे आप लोगों के वीडियो के लिए वेट कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट में हम आपको जवाब जरूर देंगे और जो भी प्रकार का दिक्कत होगा उसका वीडियो जरूर बना के दिखाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।